सोहन जी म्यूजिक टीम दिस साइड। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने 8 सितंबर की शाम को 5-6 बजे ये स्टोरी शेयर करके इस ट्रैक की एक लाइन बता दी थी तुम सबको, जो कि मुझे बढ़िया लगी थी। तो अब ये ट्रैक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ भी रिलीज हो चुका है, तो अब इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मेरे रिव्यू का मतलब गाने को अच्छा या बुरा बताने से ज्यादा ये होता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बता पाऊं जो कि तुम्हें शायद ना पता हो, तुम कुछ सीख पाओ। सो मजे आएंगे, देखते रहो। तो बिना वक्त गवाई आपको बताऊं तो पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक वीडियो से। तो म्यूजिक वीडियो बनाई है अमृत हिंड भाई ने। आई थिंक जो मुझे लगता है कि शुभ भाई ने गाना स्पेशली 80s 90s की वाइब देने के लिए बनाया है। वेस्ट कोस्ट हिप हॉप में जमा डिट्टो काम होता था, और म्यूजिक वीडियो में जस्ट शुभ भाई अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूं ही शुभ भाई ने बोल दिया होगा कि हम गेड़िया मार लेते, तुम शूट कर लो। और एक और अच्छी बात ये थी कि वीडियो में अननेसेसरी असला हथियार यूज़ नहीं किया था, क्योंकि भाई वो मांग ही नहीं थी वीडियो की, सो इट्स गुड। और एडिटिंग में 90s की वाइब देने के लिए एपल सिद्धू या पाल सिद्धू, माफ़ी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो भाई पूरे क्रेडिट्स डिजर्व करते हैं। सो म्यूजिक वीडियो में शुभ ने जैसा बोला होगा बिल्कुल वैसी ही बनी है। हाँ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और होता तो और भी मज़ा आता, बट टोटली इट्स गुड। और बात करें कंपोजिशन की, तो शुभ भाई का जो सबसे बड़ा हथियार है, प्लस पॉइंट है, वो यही है कंपोजिशन। वरना लिरिक्स में तो अपनी सक्सेस पे या चक में जो गाने थोड़े सारे ही गा रहे हैं, बट कंपोजिशन ऐसी होती है शुभ भाई की कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम कब गाने लग जाते हो उस गाने को। बेशक पंजाबी तक ना आती हो तो इस चीज़ में तो 10 out of 10 है उनको। और बात करें लिरिक्स की, तो मेरे जो फेवरेट लाइन्स हैं वो वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया है मैंने। उसमें से एक लाइन है, जिड़े चुभ दे रहा च कंडे दित्ते कडनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड पे लिया है कि एक तो वो पता ही है तुम्हें किसे दा कंडा कट देना, और दूसरा है कांटा, रास्ते में जो भी कांटे आए हैं उनके वो उन्होंने निकाल दिए हैं। और म्यूजिक में इक्की ने जमा ही चिब कड्डे हो या, मतलब बिल्कुल बेस्ट वर्क है भाई। जिस हिसाब के म्यूजिक डिजर्व करता था गाना बिल्कुल ही वैसा है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप, पुराने वेस्टर्न हिप हॉप की तरह। और एम्स म्यूजिक ने मिक्सिंग मास्टरिंग भी बहुत अच्छी की है। सो ओवरऑल जो मुझे लगता है ये शुभ भाई का ड्राफ्ट ट्रैक है, ये उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए निकाल दिया ट्रैक, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला आए साल आंदी गाणी आंदी पंडनी। तो पहले वो आई थिंक अपना पुराना वर्क निकाल के नई म्यूजिक की जगह बना रहे हैं। मेरे हिसाब में वो 2023 में अपनी डेबिट एल्बम की अनाउंसमेंट कर देंगे। बाकी भाई आप पता है गई सारी चीज़ समझाने के लिए तुम्हें, और इतना लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट में बॉलर ज़रूर लिख देना ताकि मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। बाकी दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना दिल को मत दुखाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।